तुम यहाँ कुरकुरे खा रहे हो? मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें किसी बात का दुख नहीं है क्या निखिल? किस बात का दुख? हर लड़की की शादी होती है, तेरी भी हो रही है। पर हर लड़की तुमसे प्यार थोड़ी करती है। इससे पहले अंजलि, रीना, सुनैना और नीलम, इन सब ने प्यार तो किया। इतनी तो लड़कियां हैं और फिर तुम आ गई, मैं उन्हें भूल गया। और अगर मेरे बाद कोई और आ जाएगी तो? तुम्हें भी भूल जाऊंगा। तुम तो मुझे भी भूल जाओगे। जब इतनी सारी लड़कियों को भूल गया तो तुम्हें भूलना कौन सी बड़ी बात है? तुम पागल हो गए हो, तुम बोल क्या रहे हो? तू क्या बोल रही है? तू चुप रहे और मेरे को नहीं पता है क्या? शादी के ठीक दूसरे दिन बाद पति के सीने से लग के पाउट बना के ऐसे सेल्फी डालोगे, लिखोगी बेस्ट हस्बैंड एवर। तो कुरकुर मत कर, कुरकुरा खा। मत करना यार। क्यों, क्या हुआ निखिल? यार कुछ देख लेगा यार। देख ले लो यार, बंदा है तू मेरा। हाँ तो तेरा बंदा हो ना, तुझे पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया क्यों पता करवा रही है तू यार? कुछ जानकर देख लेगा। निखिल ये तो मेरा डायलॉग होना चाहिए ना यार, मुझे डरना चाहिए लड़की होके। भाई कोई देख लेगा, मेरे घर वालों तक बात पहुंच जाएगी। तुम डर रहे हो, वो भी लड़के होके। हाँ हम लड़कों तो जैसे घर वालों ने खुला छोड़ रखा है, जा बैठ जा, जा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना, लड़कीबाजी कर, आशिकीबाजी में थोड़ा नाम रोशन कर हमारा। नहीं है ना, यही कर रखा है ना। नहीं, जितना डर तुम लड़कियों को होता है ना, उतना ही डर हम लड़कों को भी होता है अपने घर वालों से। उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर नहीं दे रखा हमको इस मामले में। यदि घर वालों तक बात पहुंच गई ना हमारे, तो हमारी नश्वर देश है ना, खाल को दो दो इंच अधर कर देंगे वो। पब्लिकली चिपकना होता है इनको अकेले। क्या कह रही है तू मुझसे शादी? तू खुद की बात कर रही है? यहाँ पर तुझे कोई और बंदी दिख रही है? नहीं। बस तो? क्या बस तो, कोई और बंदी नहीं दिख रही, लेकिन तुझे कुछ ज्यादा अच्छे से देख लिया मैंने। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों, तेरी मम्मी नहीं मानेगी या तेरे पापा? मम्मी या पापा तो एक बार को मान भी जाए, मैं तो खुद ही नहीं मानूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तेरी नीचता के एक एक स्तर से वाकिफ हो चुका हूँ मैं। तेरी नसों में बहरी उस चुड़ैल के साक्षात दर्शन करके बैठा हूँ मैं। और ये तू बॉयफ्रेंड के नाम पे बिना स्ट्रॉ लगाए मेरा इतना खून गटक चुकी है ना ऑलरेडी, अब बीवी बनाने का रिस्क नहीं लेना मैंने। और अभी तो चलो मान लो मेरे पास ब्रेकअप का ऑप्शन है, शादी के बाद क्या क्या डाइवोर्स? ना भाई ना, मेरे घर में नहीं डाइवोर्स वाइवोर्स का सिस्टम नहीं है। और मेरे तो खुद के सगे घर वाले मेरे को ये कह के पल्ला झाड़ देंगे, और कर ले अपनी पसंद की लड़की से शादी और कर ले लव मैरिज। अब झेल, और तुझे झेलने की क्षमता अब मेरे अंदर कतई नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ तू ये शादी के ख्याल को कतई त्याग दे। और बेटा इतने बड़े हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? नहीं बस अंकल जी, दो घंटे बाद ही कर रहा हूँ। दो घंटे बाद? ये कैसा जवाब? नहीं नहीं, ये सवाल कैसा है? पहले तो आप वो देखिए, शादी करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये भारत के अंदर एक महीने पहले कार्ड छपने का रिवाज यूं ही है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, मैं यूं कह रहा हूँ, आपने ना सवाल भी बहुत गलत किया है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि बेटा शादी करोगे भी या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? अरे शादी सब करते हैं, शादी नहीं करोगे तो जिंदगी भर अकेले रहोगे क्या? अकेले रहोगे? अरे अंकल जी अकेला तो कोई होता ही नहीं है, भगवान सबके साथ होता है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, उसका क्या? अरे अंकल जी आप दुनिया में आ गए पर दुनियादारी आप में बिल्कुल नहीं आई। इंसान जिंदगी में अकेला आता है, अकेला जाता है, और जिंदगी में उसे अकेली काटनी पड़ती है। आजकल कोई किसी का नहीं होता। अरे मूर्ख मेरी बात समझ तू, मैं ये कह रहा हूँ शादी नहीं करेगा तेरे बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो तेरे परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो क्यों बढ़ाना है वंश? और मैं बड़ा राजा महाराजा वाला परिवार से हूँ कि मैं वंश बढ़ाने की टेंशन लूँ? मेरे दादा मिडिल क्लास थे, मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास है, मैं मिडिल क्लास हूँ। यदि मेरे बच्चे पैदा हुए तो वो भी मिडिल क्लास वाली जिंदगी जिएंगे, और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास वाले लोगों को तो मतलब बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, क्यों हमारे आने वाली पीढ़ी को जानबूझ के गरीबी में झोंक दें? बताओ। ये ट्रे इधर ला बेटा। क्या ये? ये पकड़ तेरी नमकीन, ये पकड़ तेरी चाय, और मैं चलता हूँ ठीक है? और हाँ मेरे बच्चों दूर रहना। यार बढ़िया हुआ तू आ गई यार, यार मुझसे नहीं सहन हो रहा यार ये सब कुछ। यदि ऐसे चलता रहा ना तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़की से करवा देंगे यार। निखिल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, मेरी उम्र देख, घर में बिन ब्याह जवान लड़का बैठा हुआ, तू सोचे कि मेरे घर वाले तेरा इंतजार करेंगे? हमारे घर वाले हम दोनों के इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। अब बस एक ही रास्ता बचा है। रास्ता क्या? तू मुझे भगा के ले जा। क्या भगा के? निखिल लड़के तुम हो, मैं लड़की। वही तो, तू लड़की है यार, कम से कम कल भागने के बाद में मामला कोर्ट या पुलिस तक पहुंचा भी तो यार कम से कम वो तेरी सुन तो लेंगे यार। यदि मैंने भगाया ना तो यार फिर देख ले ऐसा होगा कि ना मुझ पे ऐसी ऐसी धारा लगाएंगे कि खड़े खड़े मेरी मूत की धारा निकल जाएगी। निखिल निखिल गया बाहर में। तू मुझे सीधे सीधे बता, तू मुझे भगा के लेके जाएगी कि नहीं? लेके जाएगी कि नहीं?
अरे यार तू इतना क्यों सोच रही है यार, तू इधर देख मेरी आंखों में देख, तू मुझसे प्यार करती है ना, करती है ना? हाँ हाँ करती हूँ। तो मुझे भगा के ले जाना यार, ये दुनिया इस जमाने से कहीं बहुत दूर ले जाना मुझे यार। ले जाएगी ना, ले जाएगी ना? हाँ हाँ ले जा, ले जाएगी ना? ए, होली बात कर ली बात यार, तू बिलीव नहीं करेगा, बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा कि यार मैं किसी इंसान से इतनी बात कर सकती हूँ यार। और मतलब क्या ही बात करता है ना यार, लिटरली बता दू, कल हमने पूरी रात बात की, फिर भी उसको टाइम मिला ना, उसने मुझे कॉल कर लिया। यार तू ही बता यार, इतना एफर्ट इतना टाइम देने वाला बंदा कहाँ है। एफर्ट्स की कदरदान, सीधे बोलना, अटेंशन की भूखी है तू। और हर दूसरा लौंडा ना ऐसा ही करता है, शुरुआत में इतनी अटेंशन देगा कि हद ही नहीं होती, मतलब इतनी बात करेगा पूछो मत, खाना छोड़ देगा, बातें करने छोड़ देगा, दोस्तों से बातें करना छोड़ देगा, मतलब यहाँ तक कि प्रेशर रोक रोक के तुझे ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल करेगा। और जैसे थोड़ा टाइम बीता ना, फिर वो बन जाता है कहीं का शहंशाह और तुम्हें समझ लेता अपने हरम की कोई कनीज। खाना खा रहा हूँ बाद में बात करूंगा, कॉल आ रही है बाद में बात करूंगा, काम कर रहा हूँ बाद में बात करूंगा, छींक आ रही है बाद में बात करूंगा, नहा रहा हूँ बाद में बात करूंगा, फिर उसको अपने काम ही काम नजर आएंगे और तुम नजर आओगे उस काम के लिए डिस्टरबेंस। तो मुन्नी इतना मत समझो, है ना, शुरुआत में सभी इतना टेंशन देते हैं, थोड़ी देर बाद में घर की मुर्गी दाल बराबर। प्यारी समझ गई, चलो ए राजा जी ए करे।